हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राइड राइस। उसके लिए मैंने सब्जी काट लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है बीन्स, आलू, ये ग्रीन पम्पकिन, टमाटर सब मैंने ले लिया है। और ये मेरा बचा हुआ चावल है। कल रात हमने खाना नहीं खाया था, तो वही मैंने सोचा कि क्यों ना इसका फ्राइड राइस बनाया जाए। तो यहाँ पे मैंने लिया लहसुन, चिल्ली और उसमें नमक डाल के अभी इसको अच्छा से पीसना है। फिर नमक डालने से क्या होता है कि वो पिसलता नहीं है लहसुन। यहाँ पर मैंने कढ़ाई भी गर्म कर दिया, तेल डाल दिया। अभी हम इसमें डालेंगे जीरा। जीरा को थोड़ा कलर आने देंगे, छिड़कने देंगे। फिर उसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पे प्याज। प्याज डाल दिया है और इसको अच्छे से भूनेंगे। आप भी इसी तरह बना के खाइए बचे हुए चावल को। अभी इसमें हमने डाल दिया है गार्लिक और चिल्ली पाउडर। क्योंकि इसको पीटते हैं ना हम, तो उसको पीटना नहीं है, इसे फ्राइड राइस बना के खाना है हमें। लहसुन को जो है जलाना नहीं है, बस उसका कच्चापन दूर हो जाए इतना तक ही भूनना है। हो गया। अभी हम डाल देंगे सब्जी। इसको भी हाई फ्लेम में है, हाई फ्लेम में ही पकने देना है इसे। अगर आप बिल्कुल पंखी नहीं डालना चाहते हो तो मत डालिए। मैंने ये हेलो गाइस, अभी मैं कर रहा हूँ किचन में। आप कमेंट करके बता देना आप कौन से क्लास में हो।